अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सिमरन अली, देख रहे हैं सिमरन चैनल। तो आज का सीन ये है कि आज मैं काफ़ी ज़रा लेट उठा हूँ, 12 होने वाले हैं अगर आपको नज़र आ रहा है तो, 12 होने वाले हैं और मैं लेट हो गया हूँ स्टूडियो में। तकरीबन 9 बजे तक जाता हूँ और मैंने सर को मैसेज कर दिया कि मेरी आँख ज़रा लेट खुली थी तो मैं अभी आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ओके, कोई मसला नहीं, तो अभी चलते हैं स्टूडियो। और मेरे पास जो हार्ड है, जो हमारी पुरानी हार्ड डिस्क में डेटा पड़ा था, वो भी उनके पास लेके जाऊंगा, उन्हें दिखाऊंगा कि इस तरह मसला है, शायद वो कुछ हल इसका कर दें और ठीक कर दें। और मैंने एडिटिंग भी करनी है तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। सीधा ब्लॉग अपना शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और जल्दी से अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। अब आपसे सीधा मिलते हैं स्टूडियो में। हे गाइस, स्टूडियो में पहुँच गया हूँ और बस मैं अभी एडिटिंग करने लगा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ मैं। ये छोटा सा सेटअप है, यहाँ पे प्रिंटर पड़ा हुआ है और ये उनका पीसी पड़ा हुआ है, ये पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है उनकी, और यहाँ पे एक कैमरा स्टैंड पड़ा हुआ है, और नीचे दो स्पीकर पड़ेंगे ये, और ये VCR पड़ा हुआ सोनी का पुराना, मतलब कोई जो मूवी वगैरह होती है ना उसको कॉपी करने के लिए ये। और यहाँ पे दो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एडिटिंग चल रही है, और ये KGF लगी हुई थी जो कि मैंने बंद कर दी है, जो वीडियो बनानी है। बस अभी मैं करने लगा हूँ, अभी ये जो पिक्चर है इसके पहले मैंने कट करना है, क्या नाम है, इसे मैंने काटना है। इसके बाद मैंने इसको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, PSD बनानी है, क्योंकि वो ये मूवी मेकिंग का काम करते हैं ना, तो उन्होंने मतलब क्या नाम है, शादी की मूवी है उसमें ये PSDs लगानी है, तो उसके लिए पहले मैं ये काटूंगा और फिर इसके बाद जो है ना मैं इनका मतलब बैकग्राउंड चेंज करके अच्छा सा बैकग्राउंड लगा के तो मैं सेव कर दूँगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने साथ क्या करना है क्या। और ये मैं हार्ड ले आया हूँ सर के पास, तो सर कह रहे थे मैं चेक करके बताऊँगा, अब देखो क्या बनता है, चेक करेंगे, वो खोलेंगे, देखेंगे उनको क्या समझ आती है टाइम, तो आज बरबर बस ठीक हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत पुराना डेटा पड़ा हुआ और बहुत अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं, शायद मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा भी दूँ दिखाने लायक हुई तो चलें शुरू करते हैं। इस पिक्चर का हमने बैकग्राउंड चेंज करना है, तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के लिए हम इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, ये जो पेंसिल का बना हुआ है, इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद इसके जल्दी से सिलेक्शन करेंगे और इसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, ताकि हम इसकी PSD बना सकें और आगे इसको मूवी में लगा सकें। तो ये जल्दी जल्दी से मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ ताकि इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकें, और ये कटिंग में कर रहा हूँ। पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसको राइट क्लिक करके इसकी मैं सिलेक्शन कर लूँगा, और फिर मैं Ctrl+J करके इसकी एक और लेयर बना लूँगा, और जो इसका बैकग्राउंड है बैक पीछे वाला, इसको मैं ख़त्म कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा, और फिर ये अब मेरे पास क्या नाम है, पिक्चर कट चुकी है, इसको मैं सेव कर लूँगा। इसको सेव करने के बाद इसकी PSD बनानी, और बाकी जो इसके ये थोड़े बहुत बाल नज़र आ रही है एडिट करते हुए, इसके बाल बिल्कुल मतलब ये पीछे जो ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल प्लेन हो जाएगी, तो ये भी मैं सेव कर देता हूँ और फिर ये बनाऊँगा मैं इसकी PSD। ज़रा बाकी सारी जितनी भी ये पिक्चर है सब मैंने एडिट करनी है, मतलब इनकी कटिंग करनी है, फिर इनकी PSD बनानी है। PSD बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं आपको जो मैंने पहले बनाई है मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि वो मैंने किस तरह PSDs बनती हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा है। और मैंने ये सारी तकरीबन 20-25 पिक्चर हैं जिनकी मैंने कटिंग करनी है, जिनकी मैंने PSDs बनानी है, तो PSDs तो मैं आपको नहीं दिखा सकूँ, क्योंकि कटिंग करने में आधा घंटा या घंटा लग जाएगा, इसके बाद अब तक सर भी आ जाएंगे तो उनके सामने मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कि उन्होंने मुझे मना किया हुआ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं आपको पहली PSDs दिखा रहा हूँ जो मैंने पहले खुद PSDs बनाई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की PSDs होती हैं, इस तरह PSDs बनानी पड़ती हैं, एडिट करना पड़ता है। जैसे ये मैंने पहले कटिंग की थी, पहले मैंने काटा था, उसके बाद फिर मैंने मतलब इस तरह बैकग्राउंड चेंज किया, इसको इस तरह मतलब
की अर्जियाँ बनती हैं, ये सब मैंने बनाई है, ये भी मैंने बनाई है। तो पूरा जितना ही फोल्डर है ये सब मैंने बनाई है, ये आइडिया वालों ने क्या मैंने बनाई है। बस ये बना के ना फिर मैं घर चला जाऊँगा, तो अब आपसे वहीं पर मिलते हैं और तब तक मैं काम ख़त्म कर लूँगा। तो मैं स्टूडियो से सीधा घर आ गया था और आके मैं सो गया था, क्योंकि वो पिक्चर्स 20-25-22 तकरीबन पिक्चर्स थी जिनको मैंने जिनकी पहले मैंने कटिंग की और उनकी PSD नहीं उनकी एल्बम बनानी थी, जो इंडियन वेडिंग एल्बम होती है ना वो बनानी, इस तरह की। तो इसीलिए उसको ना बड़ी ध्यान और बारीकी से उसकी कटिंग करनी थी, तो वो कटिंग करते करते बड़ा टाइम लग गया था और मेरी बड़ी पैंट बच गई थी, मेरी हालत ख़राब हो गई थी, रोज़ा भी बहुत सख्त लग रहा था। तो वहीं पे असर की मगरिब की नहीं जोहर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं वहाँ से आके मैं आके सो गया था, और फिर अभी मैं असर का टाइम उठाऊँ तो फिर मैंने नहाया धोया फ्रेश हुआ और नमाज़ वगैरह पढ़ी है और बस इफ्तारी का सामान नीचे मैंने ला के दे दिया, अभी थोड़ी देर में इफ्तारी हो जाएगी, इफ्तारी होने में थोड़ा टाइम रह गया, तो अभी थोड़ी देर तक मतलब रोज़ा खुल जाएगा और फिर हम इफ्तारी वगैरह करके नमाज़ पढ़ने जाएंगे। तो अब आपसे मैं सीधा इफ्तारी के बाद मिलता हूँ। हाँ जी, इफ्तारी के बाद ना मेरी ज़रा हालत टाइट हो गई थी और थोड़ा सा मतलब सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैं लेट गया था और ना मैं बाहर गया ना, तो इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।